जहां एक ओर प्रदेश के मुखिया दबंगों तथा कब्जाधारियों पर कड़ी कार्यवाही व बुलडोजर कार्यवाही करने का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ताओं तथा व्यापारियों पर आए दिन उत्पीड़न के मामले शुमार होते हैं। खबर झांसी से है, जहां आतिया तालाब व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय अग्रवाल के साथ दिन दहाड़े घर में घुसकर भूमाफिया दबंग, जो खुद को निवर्तमान महापौर का रिश्तेदार बताते हैं, मारपीट की। इसके साथ ही उनके बेटे तथा पत्नी के साथ भी अभद्रता की और पत्नी की सोने की चेन छीन कर ले गए। आपको बताते चले कि आरोप है कि रानी लक्ष्मीबाई के समय से भगनी मंडल से हाथी खाने की ओर जाने के लिए रास्ता है, लेकिन कुछ दबंग इस पर कब्जा करने की नियत से दबंगई लिखा रहे हैं। इसको लेकर पूर्व में भी व्यापारी को डराया धमकाया जा रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले में उदासीनता दिखाई, जिसके बाद दबंगों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने घर में घुसकर मारपीट करने का दुस्साहस किया। हालांकि संजय अग्रवाल के द्वारा कोतवाली थाना में उक्त दबंगों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया जा चुका है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कार्यवाही करती है। झांसी से मनीषा ली की रिपोर्ट। मैं संजय अग्रवाल हूँ, आदित्य व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ दो व्यापार प्रतिनिधि मंडल का। आज क्या घटना हुई? आज घटना ये हुई कि आज हमारी ये बाउंड्री के पीछे ये कुछ लोग बाउंड्री बना रहे थे, भू माफिया लोग, अरविंद अग्रवाल, किशन अग्रवाल, अनूप अग्रवाल वगैरह, मुकेश, तो ये लोगों को मैंने रोका। मैंने 113/2023 से मुकदमा चल रहा था, तो उसमें भैया काम नहीं लगाना चाहिए, तो आज कुतवाल साहब के अभी सुबह गए थे, तो उन्होंने उसको अहमियत नहीं दी, पता नहीं क्या उनको इंटरेस्ट रहा हो इसमें। और हम लोगों ने नगर आयुक्त को भी बुलाया था, तो नगर आयुक्त भी मौजूद का वो आदमी खड़ा हुआ था, जांच अधिकारी, उसके सामने की ये घटना है। उसका मोबाइल नंबर मेरे पास है और नगर JDA में भी हमने शिकायत करी थी, लेकिन आज जो विपक्षी पार्टी जो कब्जा कर रहे थे भूमाफिया, तो इन्होंने क्या है यहाँ पर हमारे घर में उसके मार पिटाई करी और हमारे बच्चे को भी लगी है, हमारी मिसेज के संग अभद्रता करी है, कपड़े फाड़ दिए उनके, कुछ सामान भी सोने का चांदी का सोने के जो जंजीर ले गए उनकी और भी सामान उनका ले गए, हमें भी मारपीट करी, ये देख लो आप, ये हैं लड़के को भी मारपीट करके उसे जख्म दिए हैं। तो ऐसे लोगों की कार्रवाई, ये रामती सिंगल के रिश्तेदार हैं ये, और ये अपने आप को बड़ा भू माफिया बहुत बड़ा आदमी समझते हैं और राजनीतिक ये रसूख रखने वाले हैं। BJP के शासन में इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं भी BJP का व्यापार प्रकोष्ठ का सह संयोजक रहा हूँ निवर्तमान, और मेरे संग भी ये घटना घट रही है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। और मैंने अभी कोतवाली में भी फ़ोन करके एप्लीकेशन दे दी है मुकदमा दर्ज कराने के लिए, वहाँ भी कोई विशेष बल नहीं मिला है। कोतवाल साहब वहाँ क्या है कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, बहुत देर, 1-1.5 घंटे बैठा है। माने अमित साहु भी यहाँ पर आए हुए थे, उनका भी कोई प्लॉट था, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है कि अब कब्जा ना हो। और ये जो रोड है ये रानी लक्ष्मीबाई जमाने की रोड थी 30 फीट की, इन्होंने कब्जा भी ये रानी लक्ष्मीबाई के जमाने का कुआ है उस पर भी कब्जा कर रखा है, और इन्होंने 1 एकड़ 13 डेसिमल इन पर रजिस्ट्री और 2 एकड़ से ऊपर इन पर ज़मीन है। प्रशासन कोई नाप तोल नहीं कर रहा है इनकी, ये दमंगिया इसे सब कुछ कर रहे हैं, वो माफिया लोग, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इन पर। मेरा निवेदन है इन पर कार्रवाई करें और हम लोग की सुरक्षा करें व्यापारियों की, क्योंकि ये अरविंद अग्रवाल हैं, रामकिशन अग्रवाल के लड़के मुकेश हैं, अन्नू अग्रवाल, अन्नू के दो भैया हैं, वो तो वीडियो फुटेज भी है उसमें आप देख लो, मार पिटाई कर रहे हैं ये लोग, हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि मकान छोड़ के चले जाओ, जान से मार देंगे। तो ऐसे में हम सुरक्षित कहाँ हैं? आज योगी सरकार में सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमें तो आज के ये घटना देख के हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम असुरक्षित हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सीमा अग्रवाल है। मैम आज क्या हुआ? कुछ नहीं, फालतू में ये अरविंद लोहे वाले, अनु अग्रवाल, इन लोग फालतू में मेरे बच्चे को और मेरे हस्बैंड को और घर में घुस के मुझे मारा, मेरी कान की बाली, गले की चेन, अंगूठियाँ, चूड़ी खींच के ले गए, पूरा सूट फाड़ डाला उनने हमारा और बहुत मारपीट की जबरदस्ती में है? कुछ जमीन पे कब्जा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप जमीन पे कब्जा चाहते हैं बस, और कुछ नहीं है उनका। सरकारी रोड बंद करके वो चाहते हैं, शुरू में भी एक बार और पहले भी बहुत लड़ाई की थी ना, हमेशा बवाल करते हैं, गुंडागर मचा रखा है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो यहाँ के लोगों को कितनी दिक्कत होगी? सभी को बहुत दिक्कत होगी, मेन रास्ता तो यही है जाने आने का, पूरा नई बस्ती और सब जगह बंद हो जाएगी ये जगह, और कोई सपोर्ट ही नहीं है। महिला थाने में भी हमने रिपोर्ट करी, कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। महिला की सुरक्षा कहाँ है? जब महिला, मोदी जी जब कहते हैं कि महिला की सुरक्षा करेंगे, तो क्या सुरक्षा कर रहे हैं मोदी जी बताइए आप? जब महिला, आज महिला इतने कष्ट में है, घर में घुस के मेरे बच्चे को मारा, मेरे पति को मारा, मुझे मारा, तो क्या कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी?
टैरो रीडिंग एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी द ओनली लिंक बिटवीन द ब्यूटी ऑफ पास्ट एंड द मिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।